काले धंधे को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप तो चौंकेंगे ही, पुलिस वाले भी चौंक जाएंगे, क्योंकि हम जिस काले कारोबार की बात कर रहे हैं वो खुद एक पुलिस वाला चला रहा था। आपको बता दें कि दमोह में पुलिस आरक्षक की गाड़ी से 20 पेटी शराब जब्त की गई। वहीं जब इस मामले में और सख्ती से जांच की गई तो आरक्षक के कई दूसरे ठिकानों से भी 40 पेटी शराब बरामद हुई है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। पटेरा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने आज लगभग 20 पेटी एक फोर व्हीलर गाड़ी में पकड़ी है। बिलगुवा ग्राम में आई थी अजय यादव, जो पुलिस आरक्षक हैं, और महाकाल ढाबा में भी शराब का कारोबार चल रहा है। अजय यादव का वो ढाबा है और कुम्हारी से बिलगुवा शराब आ रही थी और वो कुम्हारी के उनकी मैसेज वर्तमान में अभी सरपंच हैं और वो भी प्रतिनिधि हैं और आरक्षक भी हैं पुलिस में। तो यह अवैध कारोबार दिन रात वो कर रहे हैं और भगवती मानव कल्याण संगठन ने दमोह जिले में यह हजारों बार अवैध कारोबार को रोका है, अवैध शराब पकड़वाई है और तीसरी बार पटेरा थाना अंतर्गत सबसे बड़ी खेप 20 पेटी की और 98 पेटी की शराब पकड़वाई और 32 पेटी की अवैध शराब पकड़वाई। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक की पत्नी सरपंच है। देशभक्ति और जनसेवा का नारा देने वाले पुलिस आरक्षक अजय यादव ने पुलिस की वर्दी पर वो दाग लगाया है जिसने सारे महकमे को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी समाज में अवैध कारोबार और नशा जैसे कृत्यों पर पाबंदी लगाने की है। लेकिन अगर वही जिम्मेदार पुलिस आरक्षक खुद ही अवैध कारोबार में लिप्त होकर नशे का कारोबार करने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? दमोह के पटेरा थाने में पदस्थ आरक्षक अजय यादव के इस कारनामे का खुलासा भगवती मानव कल्याण संगठन ने किया है। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस कप्तान श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। कल देर रात थाना पटेरा में ये आबकारी की कार्रवाई हुई है जिसमें सेक्शन 34(2) में एक FIR दर्ज की गई है। उसमें आरक्षक केंद्र में पदस्थ और पूर्व में थाना कुम्हारी में पदस्थ एक आरक्षक का नाम आया है अजय यादव का, जो कि अपने ही खुद के वाहन से करीब 20 पेटी शराब जो है वो तस्करी कर रहा था। उसमें उसको आरोपी बनाया गया है। अभी भी फिलहाल उसके जो और भी ठिकाने हैं कुम्हारी थाना क्षेत्र में जहाँ पर वो पहले पदस्थ रहा है और उसका गाँव भी वहीं पर है। पुलिस वहाँ पर और भी कई जगह पर जांच पड़ताल कर रही है और करीब 40 पेटी के से ज़्यादा अभी और शराब वहाँ पर मिली है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय स्तर पर हमने उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और आगे की जांच जो है हमने वो स्थापित कर दी है। FIR भी दर्ज हुई? हाँ, FIR दर्ज हो गई है, उसमें आरोपी बन चुका है। सर, ये जगह जगह जो पूरे जो चल रहे हैं क्षेत्रों में, तो इन पर निरंतर क्या इसी तरह दबिश जारी रहेगी आगे? बिल्कुल, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अवैध शराब और जुआ सट्टा इस प्रकार के जितने भी अवैध धंधे हैं उनको लगातार रेड करते रहें। और पिछले लगभग 3 महीने में हम लोगों ने 3-4 थानों में लगभग 34(2) की कार्रवाई की है, जो लगातार थानों के द्वारा भी की जा रही है और हमने जो विशेष टीमें बनाई हैं आबकारी के साथ मिलकर उनसे, और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे जो अवैध ठिकाने हैं उनको भी लगातार रेड की जा रही है। तो ये आने वाले टाइम में इसको हम और संगठित रूप से करने वाले हैं। अब बताओ भला, जब पुलिस आरक्षक ही चोरी छिपे शराब का काला कारोबार करने लगे तो बदमाशों को काहे की चिंता? बदमाश तो फिर खुलकर काला धंधा करेंगे ही। बता दें कि पुलिस आरक्षक अजय यादव के इस कारनामे के बाद भड़कंप की स्थिति है कि आखिर एक पुलिस वाला ऐसा काम कैसे कर सकता है। पंजाब केसरी के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट।